नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार 9 दिसंबर को जो सुनवाई होनी थी वो हो गई। फलाफल क्या आया इसके बारे में तो अभी औपचारिक रूप से कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो बताया जा रहा है उसमें याचिकाकर्ता के ओर से अधिवक्ता जो वहां उपस्थित थे उन्होंने बातें रखी। जो यह भी बताया जा रहा है कि इसमें चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार की तरफ से भी वकील वहां मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में 20 जनवरी की तिथि पूर्व में ही निर्धारित कर दी गई है सुनवाई के लिए, तो बेहतर होगा उसी तिथि को इस मामले को सुना जाएगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना था कि आपने डेडिकेटेड कमीशन की जो राज्य पिछड़ा आयोग, जिसको राज्य सरकार डेडिकेटेड कमीशन कह रही है, उस पर आपने रोक लगा दिया है उसके कामकाज पे, फिर भी सरकार चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दी है। 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को वोटिंग होगा प्रथम और दूसरे चरण का, और उसके बाद दो दिन के बाद अंतराल में फिर मतगणना और चुनाव परिणाम आ जाएगा। सुनवाई 20 जनवरी को होगी। ऐसी स्थिति में एक नई समस्या खड़ी हो सकती है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तो अपना आदेश डेडिकेटेड कमीशन पर सुना दिया है, वो आदेश आज भी प्रभावी है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बाकी चुनाव अगर कोई करा रहा है तो उसमें हम उसको रोक भी नहीं सकते हैं। मेरा मेन सवाल ये उठ रहा है कि अगर चुनाव होता है और डेडिकेटेड कमीशन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, और उस पर जब आने वाले दिनों में कोई निर्णय अगर सरकार का जो पक्ष है उसको नहीं मानती है और उसके खिलाफ चला जाता है, तो फिर चुनाव का क्या होगा। कुछ देर पहले किसी मीडिया चैनल पे सुन रहे थे जिसमें याचिकाकर्ता जो है सुनील कुमार, वो बता रहे थे पूरी कहानी कि उनका मुख्य रूप से डिमांड ये है कि सरकार नगर निकाय चुनाव जो करा रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व का जो आदेश है पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का, तो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के पहले ट्रिपल टेस्ट होना है और ट्रिपल टेस्ट के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनना है। डेडिकेटेड कमीशन बना नहीं और चुनाव कर की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मामला कोर्ट हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट सुन ले इसको। हाई कोर्ट ने सुना तो कहा कि सही बात है, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उस हिसाब से आप चुनाव नहीं करा रहे हैं, आपका आरक्षण जो दिए हैं वो सही नहीं है। बाद में सरकार, ये 4 अक्टूबर को फैसला आया था, बाद में सरकार 19 अक्टूबर को गई और कही कि हम आयोग बना रहे हैं, डेडिकेटेड कमीशन बन जाएगा। कमीशन तो बन गया। अब जो कमीशन बना उसका रिपोर्ट आया नहीं सही से, अभी तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी नहीं आया। याचिकाकर्ता का कहना है कि हम लोग RTI से ही मांगे तो हम लोग अभी तक डेडिकेटेड कमीशन, जिसको राज्य सरकार कह रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट उसको मानने से इनकार कर चुकी है, लेकिन जो भी कमिटी बनी है वो भी उसका रिपोर्ट क्या है वो भी हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। तो इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट का करने चुनाव, याचिकाकर्ता का कहना है कि हमने चुनाव पर रोक लगाने की मांग भी नहीं किया है। हम तो कह रहे हैं कि भाई पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना है तो किस रूप में मिलना है, क्या मिलना है नहीं मिलना है, इस पर फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का। हम बार बार इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अर्जेंट हियरिंग हम लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 20 जनवरी को सुनवाई होगी। तो ले देकर ये मामला राज्य निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार के ऊपर आकर के अटक गई है कि क्या बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग अब भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कह चुकी है कि हमने डेडिकेटेड कमीशन के बारे में जो निर्णय था हमने अपना दे दिया है, वो अभी भी कायम है। तो अभी सारा कुछ निर्भर कर रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग
और बिहार सरकार। अब सुप्रीम कोर्ट के आज की जो का जो भरबली या जो भी है उस पर जो बात आई है, चूंकि इन लोगों के भी अधिवक्ता राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के वहाँ थे, तो इस ये लोग किस रूप में लेते हैं और सरकार को किस रूप में अपना ओपिनियन देते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो सारा खेल निर्भर कर रहा है राज्य निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार पर कि क्या अब भी चुनाव कराती है या नहीं कराती है। लेकिन जो अभी तक का सरकार का रुख जो रहा है उसमें ये ज़्यादा माना जा रहा है कि निर्धारित जो तिथि है 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव सरकार करा ही लेगी। अगर कुछ निर्णय लेना होगा कि नहीं चुनाव टाल देना है 20 जनवरी को, पहले सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना है, तो हो सकता है आज शाम तक सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग कुछ निर्णय ले ले, लेकिन इसकी संभावना कम लगती है। अब ऐसे में जो उम्मीदवार हैं जिस पद के लिए भी हों, अब उन्हें चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस लेना चाहिए, हमारा जो अपना समझ कहता है, क्योंकि ज़्यादा चांसेज है कि चुनाव 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को सरकार चुनाव सरकार करा ही लेगी। तो दोस्तों, आगे जो भी अपडेट होगा हम और आपको जानकारी देते रहेंगे। एक अपील कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बजा लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर।